नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, महिंद्रा अपनी XUV 700 को फेस्टिवल सीजन के आसपास लॉन्च करने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों पर भारी पड़ने वाली है, जैसे टाटा सफारी, MG हेक्टर और हुंडई एल्केज़ार। तो आज की इस वीडियो में हम XUV 700 और हुंडई एल्केज़ार को कंपेयर करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि हुंडई एल्केज़ार बायर को XUV 700 का वेट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के बारे में बात करेंगे। हुंडई एल्केज़ार में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, वन इज़ पेट्रोल एंड डीजल। गाड़ी में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 156 bhp की पावर और 191 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वहीं गाड़ी में हमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 113 bhp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। गाड़ी में मिलने वाले दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आते हैं और साथ ही में हमें इसमें इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड भी मिलते हैं। वहीं XUV 700 के इंजन की बात करें तो इसमें हमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वन इज़ पेट्रोल एंड डीजल। XUV 700 में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 200 bhp की पावर जनरेट करता है। वहीं गाड़ी में 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 185 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, इंजन के मामले में XUV 700 एल्केज़ार से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब दोनों गाड़ी की डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। हुंडई एल्केज़ार में हमें 4500 mm की लॉन्ग, 1790 mm की वाइड और 1675 mm की टॉल मिल जाती है। साथ ही गाड़ी में हमें 2760 mm का व्हील बेस और 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है। वहीं XUV 700 के डायमेंशन की बात करें तो हाल फिलहाल हमारे पास अभी कोई एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं है इस गाड़ी की, लेकिन स्पाइस शॉट्स को देखते हुए इस गाड़ी में हमें लेग रूम, नी रूम और थर्ड रो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू एल्केज़ार। तो चलिए अब दोनों गाड़ी में मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हुंडई एल्केज़ार के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड रो, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनारोमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 64 कलर एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। वहीं XUV 700 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें सिंगल पीस डिस्प्ले इन कैबिन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 4x4 जैसे ड्राइव ट्रेन फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमें सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ, जिसे महिंद्रा ने स्काई रूफ का नाम दिया है, साथ में हमें इसमें ऑटो बूस्टर हेडलैम्प, ADAS जैसा बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या एल्केज़ार बायर को XUV 700 का वेट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी 7-सीटर कार की तलाश में हो जो कि बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स से लोडेड हो, जिसमें पावरफुल इंजन हो और सॉलिड बॉडी के साथ हाई लेवल की सेफ्टी हो, तो आपको डेफिनेटली XUV 700 का वेट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हुंडई एल्केज़ार और XUV 700 के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।